reply. You want to intervene? Intervene. Then in few minutes. Sir, few minutes. Within few minutes. Sir, हमारे सदन की वरिष्ठ सदस्य माननीय जयराम रमेश जी से कई दिनों से एक बातों को बार बार जिस फोरम पे नहीं उठानी चाहिए, वो संविधान की सारे बड़े तज्ञ व्यक्ति है, लेकिन उसको एक चेष्टा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फोरम पे आए, एक राज्य की एक पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी के बारे में वहाँ के सी ए जी ने कुछ टिप्पणी दिया है राइटली, जिस विषय को जब विरोधी दल ने उठाया, सरकार की ओर से इसको ये कहा गया कि संविधान में इसके बारे में स्पष्टता के साथ कहा गया है, ये चर्चा कहाँ होगी, संबंधित विधानसभा में चर्चा होगी। उनको एक अपनी तरीका है, किसी को थोड़ा खुश भी करना है, वो उन्होंने अपना एक रास्ता लिया, उनकी वो अधिकार है। आज उन्होंने फाइनेंस बिल की अंदर चर्चा करते हुए फिर इस बेबुनियादी बातों को यहाँ लाया है। इन दिनों में उन्होंने पब्लिक डोमेन में कुछ लेख भी लिखा है, उसकी उत्तर भी हम दे रहे हैं, कैसे इनकी बुनियादी बात है, इनकी मूल तक ये दीनदयाल फील्ड जो गुजरात को जीएसपीसी ने जिस फील्ड को एक्सप्लोरेशन करके उसमें से गैस उत्पादन करने की स्थिति में आ गई है, इस फील्ड भारत की नेल प्राउंड की 2003 में गुजरात की पीएसयू ने लिया उसको। सर, डिप्टी चेयरमैन सर, दुनिया के अंदर HTHP, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, HTHP हाई टेंसर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जो फील्ड है, ये समुद्र की 5000 मीटर के नीचे उस गहराई पे तेल की खनन होती है, 400 डिग्री की टेम्परेचर पे खनन होती है। सर, दुनिया की अगर 5 चुनौती भरा फील्ड को गिना जाएगा, गोदावरी बेसिन की, केजी बेसिन की, जीएसपीसी की उस फील्ड एक आएगी। सीएजी की रिपोर्ट को सर हमने भी पढ़ा, जयराम रमेश जी जैसे विद्वान व्यक्ति उसको अपने तरीके से उसको अपना ढंग से रखना कोशिश किया, मूलतः 2-3 बातों को सीएजी ने टिप्पणी किया है, उसको थोड़ा तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दुनिया की प्रैक्टिस क्या है, भारत सरकार की 2 ENP कंपनी है उनकी क्या प्रैक्टिस रही है, एक्सप्लोरेशन की क्या अनुभव रही है, उसकी सक्सेस रेशियो क्या है, जीएसपीसी की सक्सेस रेशियो क्या है, जो बार बार जैसे जीएसपी कुछ गलत कर दिया जैसे कहा गया, इसकी 2-3 फैक्ट हम सिर्फ रखना चाहेंगे क्लैरिफिकेशन में। सर, इस फील्ड में इसकी खर्चा क्यों बढ़ गई, इसकी जो प्राइस, इसकी ड्यू डिलिजेंस करते हुए उस दिन की जो प्राइस था उसको, उसमें ये वायबल हो नहीं रही है, ये जीएसपीसी को मालूम नहीं था क्या इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, क्यों ऐसा आपने ड्यू डिलिजेंस को पूरा करके कोर्ट नहीं किया, या उसमें टेक्नोलॉजी रिस्क आपने क्यों लिया। सर, मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, आज दुनिया के अंदर गैस की एनर्जी बास्केट में गैस की हिस्सा 24% है, बाकी एनर्जी की सोर्स अलग अलग है, गैस की हिस्सा 24% है, देश में 7% है, भारत की एवरेज है, हमारी एनर्जी बास्केट में 7% है गैस। सर, गुजरात की एनर्जी बास्केट में गैस के कंपोनेंट है 25। सर, ये हुआ क्यों? सर, एक राज्य जिसकी अपने आप में एक दूरदृष्टि नेतृत्व था, जो आज देश की प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक विजनरी लीडर के नाते भारत में अर्थनीति में गैस इकोनॉमी आए, ग्रीन इकोनॉमी आए, इकोनॉमिक एनर्जी आए, इस दृष्टि से आज विश्व स्तर से ज्यादा गुजरात की गैस कंजम्पशन है, जिसके मूल कारण जीएसपीसी है। सर, जीएसपीसी रिस्क नहीं लेना चाहिए था, मूल झगड़ा किस बात के लिए, आपने कहा कि 4.2 में यह वायबल नहीं हो रहा था, सर 4.2 किन्होंने करवाया, पीएससी के अंदर जो नेल प्राउंड की पीएससी मैकेनिज्म को बिल्डअप किया गया है, जो आपने ही बिल्डअप किया है, सबने मिलकर बिल्डअप किया है, उसमें क्या था, गैस की उत्पादित गैस को प्राइस फ्रीडम रहेगी, मार्केटिंग फ्रीडम रहेगी, आपकी क्या मजबूरी रही, आपने 2005 में उस गैस साथ में गैस प्राइसिंग मैकेनिज्म को सरकार के हाथ में ले लिया, पीएससी में सुरक्षा यह थी, व्यवस्था यह थी, गैस उत्पादित होने के बाद उस कंपनी अपनी बाजार भाव पे उसको बिक्री करेगी। जीएसपीसी बार बार कहते आया कि इसमें से टिप्पणी किया है सीएजी ने कि आप उसको 5% साथ में आपकी ब्रेक भी निकाल रहे थे, जबकि रेट 4.2 था, ऐसा नहीं है सर,
जीएसपीसी निरंतर भारत सरकार के सामने ये कहते आया पीएससी में ये मेरे लिए प्रोविजन है, आप मेरे को 4.2 के मैकेनिज्म से मुक्त रखो। पीएससी को आपने उल्लंघन किया, आपने उनको अनुमति नहीं देने दिया। आज क्यों उसको भाई वो नहीं हुआ है? अरे आप तो जाते जाते किसी और को सामने रखते हुए 8.4 करके गए थे, उत्पादित गैस को तो आप तो 8.4 डॉलर तक पहुंचा के गए थे। जब हमने सरकार आते ही जब 2014 अक्टूबर महीने में नया गैस प्राइसिंग फॉर्मूला लाया, तब हमने कहा था देश की चुनौती भरा फील्ड के लिए अलग प्राइस मैकेनिज्म होनी चाहिए, जिसको हमने पिछले 2 महीना पहले नया प्राइस मैकेनिज्म करके आया, जिसमें यह फील्ड में ये आज वायबल है। जो नया गैस प्राइसिंग फॉर्मूला हमने लाया इस रेट में, ये फील्ड वायबल है। जयराम रमेश जी, किस तथ्य के आधार पे टेक्नोलॉजी में 1, 2, 3 वेल जो हमने खोदा गया था, जीएसपीसी ने खोदा, ये नॉर्मल तरीके में कन्वेंशनल वे में खोदा गया, जो वेल नंबर 4 5000 मीटर नीचे 400 मीटर वर्टिकल, आज हाइड्रो फ्रैकिंग की टेक्नोलॉजी लाने के बाद वो आज वायबल हो चुका है। ये बात सही है कि तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्यों हुई, उसकी मूल कारण आप पीएससी में जो कमिटमेंट था आप ही ने उसको अपने हाथ में, क्या मजबूरी आपकी थी आप ही बता पाओगे। और मैं आपको आज जिम्मेवारी के साथ इस सदन में कोट करना चाहता हूं, आज उन्हीं की सरकार में 4-4 ऑयल मिनिस्टर रहे, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं डिप्टी स्पीकर साहब, लेकिन एक ने कहा, मैंने पूछा उनको टिप्स लेते हो जब नया मंत्री बना, उनको कहा कि सर क्या ध्यान देना चाहिए जो आप नहीं दे पाए, जिसको आप मेरे को मार्गदर्शन करिए मैं ध्यान दूं। उन्होंने कहा कि सरकार की, हमारी सरकार की यानी उन दिनों की सरकार की सबसे गलती ये रही कि हमने प्राइस के ऊपर हाथ लगाया, जो पीएससी में नहीं था, फ्रीडम था, आपने हाथ लगाया, आपकी जो गलत नीति रही इसलिए देश की आज उत्पादन घट गई। ओएनजीसी सर आप ही के अंदर स्टेट कंपनी थी, ओएनजीसी के पास वो ब्लॉक, सर एक लास्ट क्लैरिफिकेशन सर, 2000 से था तो आज भी उत्पादन हो रहा है क्या? आपके पूरा कार्यकाल में उत्पादन हो रहा है क्या? और सर सर जयराम रमेश जी ने कहा कि 1 TCF गैस है, आज भी हम कहते हैं जो दुनिया की एक जिम्मेदार कंसल्टेंट है, उन्होंने आज भी कहा है 14 से 23 TCF गैस आज जीएसपीसी की फील्ड के अंदर है। आज डीजीएस के पास लगभग 10 TCF की गैस के कमर्शियल अप्रूवल हो चुके हैं। ममगढ़ पूर्वाग्रह से जयराम रमेश जी बार बार कहने से सच झूठ सच नहीं हो सकता है, झूठ की पुलिंदा आज कांग्रेस पार्टी अपनी हताशा से के कारण जयराम रमेश जी की सरकार है, ये गुमराह करने वालों की सरकार है। दर्शनम नाउ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आई कॉल्ड हिम नो आई एम नॉट ऑन दैट साइड, नॉट ऑन दिस साइड, नो नेवर, दैट वाज ओनली हिज इंटरवेंशन, बट आई नो अ लॉट अबाउट केजीबी, दैट फॉर दैट यू कैन हैव अनदर डिस्कशन, नो द ही वाज ओनली इंटरवेनिंग, नो फाइनेंस मिनिस्टर, नो मोर डिस्कशन, No. It was not. No. He didn't say he replied. Neither I said he replied. He was only intervening. No, Tabendi, not possible. That is against the rule. Tabendi, no. No. That is. This is not Tabendi. This is no. You sit down. I will. Why are you doing this? Sit down. Why you disturb? I know it. You sit down. Why do you do it? Dabendi, that is against the rule, I am saying, because we are discussing the finance bill and appropriation bill. Every member was given time. Given name has been allowed to speak. All spoke. Minister was intervening, which is his right. A minister can intervene. So I allowed. Now it is only reply. In between, nobody can talk. No. He can. No, that is a different. No. Tabendi is not allowed. I am not allowing Mr. Taben. No. Taben, sit down. I am not allowing you.
I am not allowing you. No, you could have spoken. You did not give the name. How it is. Have, how no, no. I don't feel no, no, no. Listen. No, no, no. I feel no, no, no. You are not supposed to reply. Listen. You are not supposed to. No, listen. Jairam Ramesh, in his speech, raised certain points for which minister has every right to reply. You have no right to reply. Sit down. He has the right. He has the right. I allowed him. Yes. See, if Jairam Ramesh can raise that subject, minister can reply also. Eh? Anything to be, you want expansion, something is there. Yes, he has said objection. That I will go through. If anything unparliamentary or against the rules, I will do. I am not allowing you. That is against the rule. No. That is against the rule. Honorable Finance Minister, Tavan, I am not allowing you. If you want to, no, I will tell you. Listen, you are a very senior member, Suniye, you are my friend, Suniye. If after Honorable Finance Minister speaks, if you have to ask a question, if the minister yields, you can do that, I have no problem. But you cannot speak now.